हेलो डियर लर्नर्स वेलकम टू आज शॉर्ट शॉर्ट मेरा नाम है मयूरी भागवानी और आज की डेट है सिक्स मार्च सिक्स मार्च के द हिंदू न्यूज़पेपर को एनालाइज कर रहे हैं आज के इस दिन पर और आज के जितने भी करंट अफेयर हैं सभी चीज़ों को हम एनालाइज करने वाले हैं आज और आज का जो बड़ा मुद्दा होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी दिस दैट साइंटिस्ट आर प्रिपेयरिंग मिनी ब्रेन वॉट इज बेसिकली बायो कम्प्यूटर एंड विल बायो कम्प्यूटर बी एबल टू फाइंड आउट दैट हाउ आर ब्रेन वर्क क्या हम

और जो लोग भी यूपीएससी 2023 हजार तेईस करने वाले हैं उन सभी को पता होगा कि ट्वेंटी मे को आपका पेपर है और ट्वेंटी एथ मे में कितने दिन बाकी हैं सिर्फ एटी थ्री डेज बाकी हैं तो दिस इज हाई अलर्ट फॉर ऑल ऑफ दोस्त जो अभी भी इसको हल्के में ले रहे हैं प्लीज डिस्ट्रैक्शन को छोड़ के अपने फाइनल मुद्दे पे फाइनल ड्रीम पे लग जाओ ओके okay, क्योंकि मौका हर किसी को नहीं मिलता है बढ़ते हैं आगे एंड आज का पहला आर्टिकल है हमारा वॉट आर बायो कंप्यूटर्स इन हाउ डू दे फंक्शन नाउ वाई इज दिस आर्टिकल हियर हुआ क्या है कि एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है जॉन्स होपकिन यूनिवर्सिटी इस यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च सामने आई और इस रिसर्च में बेसिकली ऑर्गेनॉइड इंटेलिजेंस पे काम हो रहा है अभी ऑर्गेनॉइड इंटेलिजेंस क्या है ऑर्गेनॉइड का मतलब क्या होता है ऑर्गेनॉइड मतलब ऑर्गन जैसा ओके तो ऑर्गेनॉइड डेवलप कर रहे हैं रिसर्चर्स ऑर्गेनॉइड डेवलप कर रहे हैं मतलब ऑर्गन जैसा कुछ चीज डेवलप कर रहे हैं जो कि लैब्स में डेवलप हो रही है हमारे ऑर्गन्स तो भगवान ने बना के भेजे हैं है ना आप जो भी माने हमारे ऑर्गन्स तो नेचुरली प्रेजेंट है लेकिन हमारे ऑर्गन जैसी चीजें लैब्स में डेवलप हो रही है तो ये ऑर्गेनोइड का क्या सिस्टम है पहले ये समझते फिर आएंगे आर्टिकल पे तो ऑर्गेनोइड जो है वो एक ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो की लैब्स में ग्रो किए जा रहे हैं इनके थ्रू आप मीनेचर स्ट्रक्चर बना सकते हो अपने फुल्ली ग्रोन ऑर्गन जैसा फॉर एग्जाम्पल ब्रेन जैसा ब्रेन क्या है आपका ऑर्गन है ना ब्रेन जैसा आप एक मीनिएचर स्ट्रक्चर बना पाते हो जो कि बनाया भी है हमारे साइंटिस्ट ने फोर एम एम का एक ब्रेन तैयार किया है इसी को हम मिनी ब्रेन कह रहे हैं ओके okay? या फिर इसी को हम ब्रेन ऑर्गेनोइड कह रहे हैं तो बेसिकली टाइनी ऑर्गन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि फंक्शनल मेच्योरिटी जैसे काम तो नहीं करते मतलब एकदम मच्योर ऑर्गन जैसे तो काम नहीं करते लेकिन हाँ काफी कुछ फंक्शन यहाँ पे ऑर्गन के कंप्लीट कर लेते हैं ये ऑर्गेनॉइड ओके okay? और ये अभी अर्ली स्टेजेस में है ऐसा क्यों कि ये सारे फंक्शन कवर नहीं कर पाते क्योंकि तो देखो इन ऑर्गन को इन ऑर्गेनोइड को लैब में तैयार किया गया है ग्रुप ऑफ टिश्यूज ग्रुप ऑफ सेल्स के थ्रू बनाया गया है तो यहाँ पे इन लैब ग्रोन ऑर्गेनॉइड में ब्लड वेसल्स तो होती नहीं जैसे हमारी बॉडी में है तो ये ब्लड वेसल्स क्योंकि नहीं है इसीलिए ये ब्रेन की ग्रोथ नहीं हो पाती और ये लिमिटेड फंक्शन कर पाता है वैसे सभी ऑर्गन के साथ है तो मोस्ट ऑर्गेनॉइड जो है वो सबसेट होते हैं किसी रियल ऑर्गन के मतलब कोई रियल ऑर्गन उसके कुछ काम ये सबसेट वाले कुछ काम ऑर्गेनॉइड कर देंगे

स्टेम सेल्स भी लिए जा सकते हैं जो ऑर्गेनॉइड अभी तक ब्रेन के स्मॉल इंटेस्टाइन किडनी हार्ट स्टमक आईज लीवर पिनक्रियाज प्रोस्टेट सलाइवरी ग्लैंड इन सभी के अभी तक ऑर्गेनॉइड्स बन चुके हैं हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बना लिया है रहा है कैसे इसकी फंक्शंस क्या है कैसे काम करता है जैसे आप देखते हो ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है कई सारे रोबोट्स आ गए आपने वो रोबोट सोफिया के बारे में सुना होगा इंडिया में कई सारे रोबोट्स आगे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करते हैं जैसे अभी रिसेंटली चैट जीपीटी चल रहा है ना जो कि आपके सारे सवालों का जवाब देता है लेकिन अगर आप उनसे डिसीजन मेकिंग के कोई सवाल पूछोगे या ऐसे सवाल पूछोगे जिसमें आपको फीलिंग्स की जरूरत है आपको डिसीजन मेकिंग करना है आपको कॉग्नेटिव एबिलिटी दिखानी है वो नहीं बता पाएंगे ये ठीक है तो आप जैसे अगर आ, किसी भी रोबोट से पूछोगे ना ऐसी कोई बात है कि डिसीजन मेकिंग जैसी वो नहीं बता पाएंगे ओके तो बेसिकली इसीलिए लिए यहाँ पे ब्रेन को समझने की कोशिश की जा रही है कि एग्जैक्टली ब्रेन की कोग्नेटिव एबिलिटी आती कहाँ से इसी के साथ ब्रेन से रिलेटेड जो डिसीजेज हैं जैसे ब्रेन से रिलेटेड जो न्यूरो डिसीजे हैं जैसे अल्जाइमर हो गया ठीक है अल्जाइमर के बारे में आपने सुना होगा कई सारी मूवीज में देखा होगा इसके बारे में अल्जाइमर हो गया ऑटिज्म हो गया इनके बारे में इनका ओरिजिन कहां से हो रहा है क्यों हो रहा है कैसे इसको सॉल्व करना समझ ही नहीं आता तो इसको भी हम समझ पाएंगे तीसरी चीज ड्रग डिलीवरी हम प्रॉपरली कर पाएंगे अभी क्या होता है ना कि हमको ड्रग्स टेस्ट करने के लिए मेडिसिन टेस्ट करने के लिए जानवरों पे एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं अगर हमारे पास सीधा वो ऑर्गन हो जाएगा जिसको टारगेट करके हम वो ड्रग बना रहे हैं अगर उस ऑर्गन के ऊपर हम डायरेक्टली टेस्ट कर पाएंगे तो कितना अच्छा होगा सोचो तो ये सारी प्रिसीशन मेडिसिन की चीजें भी हम इस ऑर्गेनोइड के थ्रू कर पाएंगे तो बेसिकली ये है क्या देखो भाई ऐसा है कि जो ऑर्गेनोइड है ये बेसिकली मैंने आपको समझा ऑर्गेनोइड इंटेलिजेंस के बारे में अभी क्या हो रहा है ये ब्रेन कल्चर डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं साइंटिस्ट यानी कि ब्रेन बनाया इन्होंने एक मिनी ब्रेन ब्रेन बनाया brain बनाया ऑर्गेनोइड लैब में अब ये चाह रहे हैं कि इस ब्रेन ऑर्गेनोइड को लाया जाए रियल वर्ल्ड में और रियल वर्ल्ड में इसको इंट्रोड्यूस करके समझा जाए कि एग्जैक्टली exactly ब्रेन काम कैसे करता है ये ह्यूमन कॉग्निशन लर्निंग और वेरियस न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते कैसे हैं क्या इसका बायोलॉजिकल बेसिस है तो अभी क्या हो रहा है देखो ह्यूमन ब्रेन को समझना बहुत कॉम्प्लेक्स से बहुत बड़ा चैलेंज है तो अभी तक रिसर्चर्स जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में रिसर्च कर भी रहे थे ना वो जानवरों पे कर रहे थे मतलब रैट के बायोलॉजिकल जो ब्रेन है उसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे कि कैसे ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं तो ब्रेन टिश्यू वगैरह जो है उसके थ्रू यहां पे हो रहा था अभी यहां पे हमने ब्रेन टिश्यू डेवलप करना स्टार्ट किया लैब में ऑर्गेनोइड के फॉर्म में और इसी को हम मिनी ब्रेन कह रहे हैं 4 एमएम का ब्रेन अभी तक बनाया है ओके और यहां पे एम ये है कि इस मिनी ब्रेन को रियल वर्ल्ड में हम लाए

किया गया तो जब इस रैट को बहुत इंटेंस लाइट दिखाई तो यह पाया गया कि जो जो ह्यूमन ब्रेन ऑर्गेनोइड है मिनी ब्रेन है वो भी एक्टिवेट हो गया और इसके एक्टिवेट होने से समझ में आया कि ब्रेन ब्रेन जो ऑर्गेनोइड uh, बनाया है वो काम कर रहा है अब इसी ब्रेन ऑर्गेनोइड को हम चाह रहे हैं कि जैसे रैट ब्रेन माइक्रो एनवायरमेंट बनाए वैसे ही इसको एक्चुअल में बाहर की दुनिया से कनेक्ट किया जाए बायो कंप्यूटर्स बनाए जाए इसको कंप्यूटिंग मेथड से कनेक्ट करके बायो कंप्यूटर्स बनाए जाए इसमें अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक टिमलाए दिए जाए सेंसरी स्टेमिलाए दिए जाए

बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है दैट इज रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशंस एंड ये इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड जो आर्टिकल है इसकी बात करेंगे एक सेकंड रुको मैं पेन का कलर चेंज कर लू सो देट आपको क्लियरली दिखे हां जी तो इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करने वाले हैं आर्टिकल ये है कि हाई सीज हाई सीज यानी कि वो सीज वो ओशन एरिया जिसके ऊपर किसी भी कंट्री का सॉवरन राइट right तो नहीं है लेकिन सारी कंट्रीज इसको यूज भरपूर करती हैं अगर मैं इसकी बात करूँ तो रुको बत, जरा बताऊंगी मैं इसके बारे में पहले हाई सीज है क्या जिसके बारे में हम बात करने वाले वो समझा देती हूँ तो देखो हमारे देश में हमारे वर्ल्ड में एक लॉ चलता है रिगार्डिंग सीज जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी अनकलॉस इसको

उसके बाद मतलब टोटल मिला के दो सौ नोटिकल माइल्स अगर आप इस बेस लाइन से दो सो नोटिकल माइल्स लोगे तो इसको हम कहते हैं अपना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ठीक है ये देखो लिखा है ना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इस पे भी इस कंट्री का जिसका ये लैंड है ना उसका राइट right होता है सॉवरिन राइट right होता है लेकिन इसके बाद दो सौ नोटिकल माइल्स के बाद अब ये चालू हो जाते हैं इंटरनेशनल सी इंटरनेशनल वाटर जिसको हम हाई सी या ओपन सी कहते हैं ये सभी के लिए ओपन है टू यूज ओके तो ये हाई सीज की बात हो रही है अब ये हाई सीज जो है ऐसा है कि हमारे दुनिया का बहुत बड़ा पार्ट ये बनाती है लगभग 95 फाइव परसेंट जो हमारे अर्थ का पानी है ना वो ओशन है वो इसमें जाता है हाई सीज में ओके उससे भी ज्यादा एंड इसमें से अगर प्रोटेक्टेड एरियाज में देखें तो एक परसेंट भी हमारी हाई सीज प्रोटेक्टेड नहीं है हमारे हाई सीज़ में जो रहने वाली बायोडाइवर्सिटी है वो प्रोटेक्टेड नहीं है और इसी बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए अब हम ला रहे हैं हमारी जो सरकारें हैं और हमारी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो लेकर आई है एक बिल यूनाइटेड नेशंस में ही एक बिल आई है और ये बिल का काम है मरीन बायोडाइवर्सिटी जो है हमारे दुनिया में मरीन बायोडाइवर्सिटी जो कि हाई सीज में रहती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये बिल आई है और इस बिल में कहा गया है कि जो भी हाई सीज़ हैं जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स के बाद आती हैं

जिसमें लैंड और ओशन दोनों आ जाए उसको यहाँ पे हमको कंजर्व करना है उसको प्रोटेक्ट करना है प्रिजर्व करना है फॉर बेसिकली कंजर्विंग द बायोडाइवर्सिटी दैट वी हैव ऑन अर्थ ओके इसमें वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड वगैरह भी काम करने वाले हैं अभी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है कि इसके अंदर क्या क्या प्रोविजन है लेकिन यूनाइटेड नेशन हाई सी ट्रीटी काफी लंबे समय से इसका नेगोशिएशन चल रहा है तो वी नो समथिंग अबाउट इट लाइक इसको पैरिस एग्रीमेंट फॉर ओशन भी कहा जा रहा है जिसमें हम बेसिकली बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे बियॉन्ड नेशनल जूरिस्टिक्शन यानी कि नेशनल जूरिस्टिक्शन हमारे 200 नॉटिकल माइल तक होता है जहाँ इकोलॉजिकल ecological... सॉरी इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन होता है वहां तक हमारे पास नेशनल टूरिस्टिक्शन होता है उसके बाद हाई सीज शुरू हो जाती है जिसको यूज तो सभी करते हैं लेकिन प्रोटेक्ट कोई नहीं करता है तो इन सीज के टाइम पे इन ओपन सीज पे बायोडाइवर्सिटी को हमको प्रोटेक्ट करना है अंडर अनक्लॉज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी के अंतर्गत हम इसको प्रोटेक्ट करने वाले हैं जिसमें कंट्रीज जो है अपने rights, अपने राइट अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताएंगे रिगार्डिंग द रिसोर्स ऑफ हाई सीज यहाँ पे कोई भी ट्रीटी अभी तक नहीं बनाई गई है जो अर्थ के ओशन की

उस पर कोई डिस्प्यूट ना हो दोनों का कितना कितना एरिया रहेगा वो सब बेसिकली इस में तैयार किया गया है तो अनकलॉस ही है जिसने हमको बताया कि आपका एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन रहेगा जो कि 200 नॉटिकल माइल्स तक का है फिर एक टेरिटोरियल सी रहेगी जो की बाविस किलोमीटर तक रहेगी यानी कि लगभग बारह नॉटिकल माइल्स तक रहेगी ये सारी चीजें हमको अनकलॉस ही बताई हैं इसमें एक इंटरनेशनल सीवेड अथॉरिटी भी बनाई गई है जो कि काम ये करेगी कि भाई दो कंट्रीज के आसपास में कभी कोई डिस्प्यूट हो गया इंटरनेशनल वाटर्स को लेकर तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हो सके लेकिन अभी तक एक भी ट्रीटी ऐसी नहीं है जो ओशन की हेल्थ को प्रोटेक्ट करने का काम करे अब ओशन की हेल्थ की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और सबसे ज्यादा मेल्ट हो 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 होते जा रहे हैं है, ओशन हेल्थ खराब हो रही है सब चीजें हो रही है साथ में एक्सेसिव फिशिंग हो रही है जिसके कारण रिस्क हो गई है एक्सटेंशन की और इसीलिए हमें जरूरत है मरीन बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने

मुद्दा यह है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यहाँ पे रहती हैं और प्रायोरिटी जोन यही है सिर्फ डेढ़ सौ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बची हैं अभी तक दुनिया में और ये डेढ़ सौ में मेजोरिटी यहीं पे रहती है राजस्थान गुजरात वाले रीजन में अब ये जो है इनका एक खासियत यह है कि ये हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड्स हैं ठीक है काफी हैवी है लेकिन फ्लाई भी कर पाती है इतनी हैवी है कि अगर आप इनके सामने कोई तलवार रख दोगे और ये बहुत तेजी से चल के आ रही है ना इनको तलवार भी नहीं दिखेगी कट ही जाएंगी ओके इतनी हैवी इनको दिखेगा ही नहीं नीचे का तो हेवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड है और इनका जो थ्रेट है इनके ऊपर बहुत थ्रेट्स मंडरा रहे हैं इनका काफी एक्सटेंशन का रिस्क है तो सबसे बड़ा थ्रेट ये है ये पावर लाइन्स ये हाई टेंशन लाइन्स और ये हाई टेंशन लाइन्स के चक्कर में क्या होता है ये थोड़ा सा ही उड़ पाती है उड़ती हैं हाई टेंशन लाइन से टकराती है करंट लगता है और बस खत्म तो बेसिकली इसके कारण इनका एक्सटेंशन बहुत हो रहा है बहुत एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ गई है ये और इसीलिए अभी क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में बोला कि जो भी ऐसे एरियाज हैं जहां पे ग्रेट इंडियन बस पाई जाती है प्रोटेंशियल प्रोबेबल एरियाज पे जो भी लो वोल्टेज पावर लाइन है ना उनको आप अंडरग्राउंड कर दो ठीक है उनको तो कम से कम ऐसे हवा में मत लटकाओ तो उनको आप अंडरलाइन अंडरग्राउंड कर दो लेकिन एक्जैक्टली exactly बताया नहीं, कितनी लो वोल्टेज वाली तो अभी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी जो है उन्होंने राजस्थान में बोला कि जो भी ये सोलर पावर प्लांट है इनके जितनी भी 33 किलो वोल्ट तक की अगर वोल्टेज तक की जो पावर लाइन है उनको आप अंडरग्राउंड कीजिए और जो इससे ऊपर के वोल्टेज वाले हैं उनको आप लटकने तो हवा में ठीक है अब यहाँ पे एनवायरमेंटल एक्टिविटीज कह रहे हैं कि भाई ये 33 किलो वाट से तो शुरू होती है सोलर पावर प्लांट जो हैं सोलर पावर लाइंस जो हैं मेजॉरिटी पावर लाइन ऐसी हैं जो 33 थर्टी थ्री किलो वोल्ट से ज्यादा की वोल्टेज लाइन वाली है तो ज्यादातर तो लटकी रहेंगी बहुत कम अंडरग्राउंड जाएंगी ऐसे में आप सोलर जो सोलर एनर्जी वाले जो इंडस्ट्रीज हैं पावर प्लांट्स हैं और जो सेक्टर है उसको तो आप बेनिफिट पहुंचा रहे हो लेकिन ऐसे में जो एनवायरमेंट है उसको नुकसान पहुंच रहा है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को नुकसान पहुंच रहा है और दूसरी बात ये भी कही आ रही है कि चीता को आप बचाने की कोशिश कर रहे हो चीता को री कर रहे हो लेकिन सोचो जरा कि सिर्फ डेढ़ बर्ड्स बची हैं अगर ये डेढ़ भी खत्म हो गई तो इनको भी बाद में री करना पड़ेगा क्योंकि सेकंड एनिमल सेकेंड स्पीशी हो जाएंगी जिसको आपको जो आपके इंडिया से बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो चुका है तो बात कर लेते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की देखो भाई ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये देख रहे पिक्चर ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का पिक्चर है अलग से पिक्चर इसीलिए रखा है सो so दैट आपको समझ में आए कि इनका हैबिटेट कैसा होता है ऐसा ड्राई ग्रास में आपको ये मिलती हैं तो ये ड्राई ग्रास याद रखना अभी ड्राई ग्रास आपको मिलते हैं राजस्थान और गुजरात में ओके okay, तो मेजरली राजस्थान गुजरात में मिलते है कई बार इंडिया से पाकिस्तान भी चली जाती है माइग्रेट करके कई बार पाकिस्तान से इंडिया भी आ जाती है इनको तो कोई वीजा पासपोर्ट लगता नहीं है ओके तो ये जो है हेवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड है हमारे प्लैनेट पे और ये राजस्थान की स्टेट बर्ड भी है ओके साथ में ड्राई ग्रासलैंड में पाई जाती है

पॉइंट की तरफ आ, आर्टिकल की तरफ जो कि है एक्स आरबीआई चीफ का बयान एक्स आर चीफ रघुराम राजन जी जिनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है इंडिया में ये एक्स आर चीफ जो है इन्होंने कहा है कि इंडिया जो है पुअर परफॉर्म कर रहा है इकोनॉमिकली और वापस से जा रहा है हिंदू ग्रेथ हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ की तरफ ठीक है तो ये हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है क्या इसके बारे में बात करनी है हमको आज ओके तो ये हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ की तरफ वापस जा रहा है ये कहना है आर के एक्स गवर्नर का अबाउट इंडिया तो बेसिकली इकोनॉमिकली हम उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे क्यों क्योंकि हमारे देश में इन्वेस्टमेंट

ये ग्राफ में आप देख पा रहे हो कि 1950 जब हम आजाद हुए 1947-50 के आसपास जब हम आजाद हुए, तब से लेके 1990 तक हमारी एलपीजी हम रिफॉर्म इकोनॉमिक रिफॉर्म उसके बाद मेजरली हमने ग्रो किया तो एकदम किया एट के आसपास हमारी जीडीपी ग्रोथ हुई ओके, लेकिन उसके पहले क्या था उसके पहले हम थ्री के आसपास ही ग्रो कर रहे थे कहा जाता है हिंदू ग्रोथ रेट ओके और ये टर्म किसने दी ये प्लानिंग कमीशन के एक पर्सन थे उन्होंने ये आ... टर्म दी हिंदू ग्रोथ रेट बेसिकली इसका मतलब यह है कि इंडिया जो है इकोनॉमिकली अच्छी परफॉर्म नहीं कर रहा था अब आपको पता है अगर किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ देखनी है तो जीडीपी से देखते हैं और हमारे देश में एलपीजी पॉलिसी जीडीपी ग्रोथ बहुत बुरी थी लेकिन उसके बाद एकदम एट परसेंट प्लस रहने लगी हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट तो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ क्या है एक ऐसी टर्म है जो लो एनुअल ग्रोथ रेट को दिखाती है नाइनटीन के पहले हमारी ग्रोथ रेट बहुत कम हुआ करती थी थर्टी हुआ करती थी और अगर पर कैपिटल देखोगे वन उसके बाद एकदम शूट एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद जब हमने अपनी बॉर्डर्स खोली प्राइवेटाइजेशन किया ग्लोबलाइजेशन किया लिबरलाइजेशन किया उसके बाद हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट एकदम से होने लगी वरना इतनी ज्यादा थी नहीं और वापस से हम उस तरफ बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ कोविड कोविड के बाद हम उतनी अच्छे से रिकवर कर नहीं पाए हैं उसके अलावा ग्लोबल जियो पोलिटिकल सिनारियो भी अभी क्या है आपको पता है रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है उस चक्कर में फ्यूल प्राइजेस बहुत बड़े हुए हैं इसीलिए भी हमारी जी ग्रोथ रेट कम जा रहा है और इसी को हम कह रहे हैं हिंदू ग्रोथ ऑफ रेट हिंदू रेट रेट ऑफ ग्रोथ ठीक है सॉरी गलत बोल दिया नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है दैट इज रिगार्डिंग द एडिटोरियल ऑफ यूटिलाइजिंग इंडिया

क्यों क्योंकि इंडिया जी ट्वेंटी को लीड कर रहा है इंडिया क्वाड को लीड कर रहा है इंडिया में फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हो रही है इंडिया में ग्लोबल साउथ समिट वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट जैसी मीटिंग्स हो रही है इसके अलावा पहले एक समय हुआ करता था जब हम बहुत पावरलेस तो बेसिकली अभी इतने टाइम पे जो पहले हमारा जो स्थिति हुआ करती थी इंडिया की जो पहले स्थिति हुआ करती थी उससे हम आगे बहुत आए हैं मतलब पहले प्री इंडिपेंडेंस के टाइम पे देखो और सेवेंटी फाइव ईयर्स अब हो गए हैं उसको देखो तो दर इज ह्यूज जंप ओके हमारे सारे वर्ल्ड लीडर्स जैसे जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर अभी तक नरेंद्र मोदी जी तक अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सभी ने इंडिया के रोल को बहुत स्ट्रेंथन किया वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म्स पे ओके और जैसे अभी भी हम जी को लीड कर रहे हैं क्वाड को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को इन सभी की चेयरमैनशिप अभी हमारे पास है तो ये दिखाता है कि भाई इंडिया का रोल जो है ना धीरे धीरे करके ही सही लेकिन वर्ल्ड में बहुत ऊंचा कद इंडिया का हो तो गया है लेकिन कुछ फॉल्टलाइन भी हैं अभी इंडिया जो है ये कुछ फॉल्टलाइन का फायदा उठा रहा है स्पेशली रशिया यूक्रेन वॉर इसमें क्योंकि हम बैलेंस कर पा रहे हैं रशिया को और यूएस को साथ में इसीलिए इंडिया अच्छा कर रहा है और वह टाइम भी बहुत सही है क्योंकि देखो एक तरफ तो जी ट्वेंटी को हम लीड कर रहे हैं जी ट्वेंटी जो है मोस्टली वेस्टर्न ब्लॉक का दिखाया जाता है वेस्टर्न ब्लॉक का एक यूनियन है और एस सी ओ यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन चाइना और रशिया का एक ब्लॉक माना जाता है दोनों की चेयरमैनशिप अभी इंडिया के पास है तो ग्लोबल साउथ का लीडर बनने के पूरे पूरे गुण तो चाइना इंडिया के पास पूरे पूरे हैं ओके लेकिन इशू यह है कि चाइना बीच में

इंडिया बस ये चाहता है कि जो भी अभी ग्लोबल रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है ग्लोबल स्ट्रक्चर जो बना हुआ है उसमें थोड़ी सी रिस्ट्रक्चरिंग हो और इंडिया को हाई टेबल पर एक जगह मिले इसीलिए इंडिया जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी एक परमानेंट सीट चाहता है लेकिन अभी तो वो बहुत दूर दिख रहा है और इसीलिए इंडिया अभी जी ट्वेंटी पे फोकस कर रहा है क्योंकि जी जो है वो यूएन का एक अल्टरनेटिव आगे जाके हो सकती है क्योंकि यूएन डेमोक्रेटिक नहीं है लेकिन जी में सभी की आवाज सुनी जाती है और इंडिया का एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू इंडिया को मिला अभी रिसेंटली क्योंकि इंडिया में जो ये जी ट्वेंटी हो

ओके okay, और यहां से हो सकता है कि डायलैक्टिक फॉर्म में डायलॉग के फॉर्म में और डिप्लोमेटिक तरीके से ये जो पूरा इशू है डिप्लोमैटिक्व हो पाए तो बेसिकली अभी तक इंडिया यही चाह रहा है कि इन फोर्ट का फायदा उठाया जाए और अपनी लैंग्वेज को रिवाइज कर रहा है इंडिया पहले हम जहां आइडियलिस्टिक पॉलिसी फॉलो करते थे नाउ वी आर टर्निंग टूवर्ड्स रियलिस्टिक पॉलिसी रियलिस्टिक फॉरन पॉलिसी एंड रियलिस्टिक फॉरन पॉलिसी की तरफ आगे बढ़ते हुए हम चाहते हैं कि ये स्ट्रक्चरिंग फिर से हो स्टेटस को अलग हो स्टेटस को चेंज हो रिस्ट्रक्चरिंग हो वर्ल्ड की और वहां पर हमें एक लीडर की जगह मिल पाए लेकिन कुछ चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस ये हैं कि ये जी ट्वेंटी एस सीओ की जो चेयरमैनशिप है ये तो एक साल तक के लिए आगे क्या करेंगे तो ये करना है हमको कि इन ए, इस एक साल में अपनी स्ट्रैटेजिक डेप्थ इतनी ज्यादा बता लेनी है इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना है अपने आपको स्ट्रैटेजिकली कि आगे जाके हमारी नेशनल ग्लोरी कम ना हो दूसरी चीज हमको ये करनी है की न्यू डेली को ज्यादा फ्रेंड्स बनाने ऑफ डिफेंडिंग और ऑफेंसिंग संबंधी ठीक है हमको किसी को जबरदस्ती छेड़ना नहीं है रिएक्शन नहीं देना है बहुत स्ट्रांग से हमें सबसे आगे के लिए लॉन्ग टर्म वाले रिश्ते निभा के चलने जैसे अभी आप देखते हो बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि Uh, बहुत अग्रेशन दिखाते हैं या इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स कुछ बहुत अग्रेशन दिखाते हैं ऐसे करने की जरूरत नहीं क्योंकि इफ वी वांट टू बी अ डेवलप्ड कंट्री अ कॉन्फिडेंट कंट्री वी डू नॉट नीड टू बी रिएक्शनरी ओके तीसरी चीज ये कि हमें अपोजिट्स को बैलेंस तो करना है लेकिन ये कब तक कर पाएंगे तो हमको डिसीजन कभी ना कभी लेना पड़ेगा इन डिसीजन हमको भारी पड़ सकती है और चौथी चीज़ ये कि अभी हमको आगे के लिए तैयार होना है डिप्लोमेटिक हाइस की तरफ पढ़ना है एंड ऑल दीज थिंग्स विल बी हेल्पिंग इंडिया टू बिकम अ लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ एंड दिस इज गोइंग रियालिटी वेरी सुन अगर हम इन सब प्रॉब्लम को हैंडल कर लेते हैं एड्रेस कर लेते हैं तो सो देट वॉज ऑल टू टूडे और आज के इस लेक्चर में इतना ही था अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो बिल्कुल लाइक करिएगा शेयर कीजिएगा और अगर आपको कनेक्ट करना हो ना, ना हमसे तो इन सभी मीडियम्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो जो भी न्यू एक्सपेरेंट्स हैं जो 2024 वाला फोर वाला फाइव वाला यहाँ पे अटैप्ट देने वाले हैं उन सभी के लिए कह रही हूँ कि आप लोगों को अगर कोई भी डाउट हो यूपीएससी में या फिर ट्वेंटी वालों को भी कोई भी डाउट हो यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विद ऑल दीज मीडियम्स ठीक है आप हमारे मेल आई डी पे आप हमको लिखिए जो भी आपके डाउट हो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए वेबसाइट के थ्रू या फिर टेलीग्राम चैनल के तो जुड़ी जाओ यहाँ पे आप सब अपने अपने डाउट्स पूछ सकते हो एंड वेरी हैप्पी थैंक यू फॉर वॉचिंग लेक्चर को लाइक करना मत भूलना चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड खुश रहना मत भूलना अपने आप को खुश रखना मत भूलना वेरी गुड